दोस्तों बिहार कैबिनेट की जो महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है 22 नवंबर 2023 को, इसके लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से ऑफिशियल पत्र जारी कर दी गई है और कैबिनेट से काफ़ी सारे कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ लाभ देखने को मिले। और जो आशा कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, किसान सलाहकार, वार्ड सचिव, काफ़ी सारे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कैबिनेट से पास है मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। तमाम ऐसे आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कैबिनेट से कुछ मांग देखने को मिले। सो 22/11/2023 के जो कैबिनेट बैठक होने जा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा होंगे। बिहार सरकार को अल्टीमेटम के तौर पे भी मिला है बहुत सारे डिपार्टमेंट से। आगे हम चर्चा करेंगे सभी डिपार्टमेंट के, 4400 विभाग की चर्चा करेंगे और बिहार सरकार की नज़र में जो टॉप 10 लिस्ट है आगे आप लोग समझ लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। 4400 विभाग की चर्चा करेंगे और जब भी कैबिनेट से कुछ लाभ देखने को मिलेगा तो आगे आप लोग समझ लेंगे। महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट है बिहार सरकार की नज़र में टॉप 10, और चुनाव से पहले ही आप लोग को कुछ लाभ देखने को जरूर मिलेगा। आगे आप लोग समझ लेंगे टॉप 10 जो लिस्ट है संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी, जो पहले मुहर लगेंगे, आगे आप लोग समझ लेंगे कौन कौन सी ऐसी डिपार्टमेंट है। और ये सब कर्मचारी जो है लगातार धरना पे बैठे हुए हैं और बिहार सरकार के नज़र में भी है, और काफ़ी सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो बिहार सरकार से मिले हुए हैं और सचिवालय विभाग में ये सब अल्टीमेटम के तौर पे लेटर भी दिया है। आगे आप लोग समझ लेंगे महत्वपूर्ण 10 डिपार्टमेंट। आखिर हम सभी डिपार्टमेंट की चर्चा करेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉप 10 लिस्ट है बिहार सरकार की नज़र में, आगे आप लोग समझ लेंगे। टॉप 10 जो लिस्ट है यहाँ पे देखेंगे, किसान सलाहकार ये काफ़ी दिनों से धरना पे बैठे हुए थे और इन सब के आश्वासन देकर जो है आंदोलन को स्थगित कर दी गई थी। और आशा ममता कर्मचारी अभी जो आंदोलन पे डटे हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे ममता आशा कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, सहायिका लगातार जो है पटना गर्दनियाबाग में आंदोलन पे बैठे हुए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, सहायिका और आशा कर्मचारी जो है काफ़ी दिनों से धरना पर दिए थे और धरना में जो आश्वासन मिला था इन सबको कि 3000 आप लोग के मानदेय कर दी जाएगी, वो जो अभी कैबिनेट से अभी तक स्वीकृति नहीं मिला है। कौशलेंद्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में अभी भी आंदोलन जारी है और आप लोग को अपडेट देते आ रहे लगातार। और यहाँ पर देखेंगे रात्रि प्रहरी, ये भी अभी आंदोलन पे उतरे हुए हैं। चौकीदार और दफादार, ये भी आंदोलन पे उतरे हुए थे। उसके बाद जनरेटर चालक, न्याय मित्र, टोला सेवक, ताल्मीकि मरकज, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, आशुलिपिक अमीन, आयुष चिकित्सा सहायक इंजीनियर, सांख्यिकी स्वयं सेवक, ये 2012 से अभी भी इन सब के जॉब से हटा दी गई है। 2012 से ही अभी ये सब बेरोजगार है और लगातार जो है अपने आंदोलन को लेकर नेतृत्व बना रहे आगे की रणनीति के लिए। और बिहार सरकार की और से जो है काफ़ी सारे आश्वासन इन सबको मिला है कि आप लोग को बहुत जल्द ज्वाइनिंग हो जाएंगे, लेकिन ये सब अभी भुखमरी के शिकार हो चुका है और अभी इन सब की जॉब से कोई भी अता पता नहीं है कि कब इन सबको जॉब मिल जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे सहायक इंजीनियर, सामुदायिक कार्यकर्ता, लेखा सहायक प्रोग्राम, IT बॉय, IT ऑपरेटर और बेल्ट्रॉन के जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, IT बॉय, IT गर्ल है, तो आप लोग को लगातार जानकारी देते आ रहे कि एक दिवसीय धरना प्रदर्शन 8 नवंबर 2023 को दिए थे। उसके बाद काला बिल्ला लगाकर लगातार ये सब आंदोलन किए थे और फिर से जो आंदोलन होने जा रही है 28 नवंबर और 29 नवंबर को लगातार पटना में हड़ताल बड़ी संख्या में करने जा रही है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, IT बॉय, IT गर्ल आप लोग को बहुत जल्द इसके रिगार्डिंग सूचना देने वाले हैं आगे की रणनीति हेतु, जो अभी बेल्ट्रॉन से है। तो ये सब जो है काफ़ी दिनों से धरना पे बैठे हुए थे और फिर आंदोलन देने जा रही है। इन सब की एक ही मांग है, सेवा समायोजन, इन सबको परमानेंट किया जाए। जो अभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है इन सबको परमानेंट किया जाए। उसके बाद यहाँ देखें उर्मिला इंटरनेशनल के जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर है, बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग चकबंदी के जो कार्य कर रहे, बिजली विभाग PhD पंप ऑपरेटर, कार्यपालक सहायक, ग्रामीण विकास विभाग, बिजली विभाग के PhD पंप ऑपरेटर, ये भी आंदोलन पे बहुत जल्द आने वाले हैं। उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग स्वयं सेवक, ASB के जो भी कर्मचारी है इन सब के ज्वाइनिंग बहुत जल्द मिल जाएंगे। लगातार धरना प्रदर्शन जो है इन सब की जारी है और सरकार के द्वारा आश्वासन भी मिला था, 5 नवंबर 2023 को आश्वासन मिला था मुख्यमंत्री के द्वारा सहरसा में कि आप लोग को बहुत जल्द ज्वाइनिंग हो जाएंगे। उसके बाद पंचायती रोजगार विभाग, विकास मित्र, कल्याण मित्र, विकास मित्र को पहले ही लाभ मिल चुका है। उसके बाद कल्याण मित्र, पंचायती राज विभाग के जो कर्मचारी होंगे, समाज कल्याण विभाग, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, इन सब की बहुत जल्द कैबिनेट से पास हो जाएंगे। लगातार जो है डटे हुए हैं पटना में और काफ़ी दिनों से ये सब आंदोलन पे है और काफ़ी सारे लाठी डंडा भी चार्ज हुए हैं इन सब पर, लेकिन आंदोलन पे अभी तक जो है ये सब डटे हुए हैं।
जो अभी 10 टॉप लिस्ट है यहाँ पे देखेंगे, किसान सलाहकार आशा ममता और रात्रि प्रहरी चौकीदार न्याय मित्र किसान सलाहकार, और यहाँ पे देखेंगे नीचे में आ जाएंगे तो बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर सभी विभागों के जो अभी 44 विभाग में कार्यरत है, बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामर IT गर्ल सरकार के नज़र में इन सब किया, और सभी विभागों के जो भी कर्मचारी है तो लगातार ये सब प्रयास कर रहे हैं कि जो भी विभाग में ये सब कार्य कर रहे थे इन सबका सेवा समर्जन मांग है, और बिहार सरकार को अल्टीमेटम के तौर पर भी दिए हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे ASB के जो कर्मचारी है, उसके बाद पंचायती राज विभाग में जो कार्यपालक सहायक है, इन सब की मांगों पर विचार हो सकती है। और यहाँ पे देखेंगे जो महत्वपूर्ण जो कर्मचारी है, यहाँ पर देखेंगे लेखापाल सहायक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक, नर्सिंग स्टाफ, वेटनरी डॉक्टर, आयुष डॉक्टर, जिला प्रवेशन अधिकारी, कृषि विशेषज्ञ, वन श्रमिक, वैज्ञानिक सहायक, ये सब कर्मचारी जो अभी अपना वर्क काम से काम है, और अभी ये भी कोई भी कर्मचारी है सड़क पे नहीं उतरे हुए, फिर भी हम आप लोग की आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तकनीकी प्रबंधक इंदिरा आवास सहायक, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सक पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर, व्यवसाय अनुदेशक, ग्राम कचहरी के सचिव, ग्राम कचहरी के सचिव भी धरना पे बैठे हुए हैं, और इन सबको आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द आप लोग के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। उसके बाद पंचायत तकनीकी सहायक, जो टॉप 10 लिस्ट है आप लोग यहाँ देखें, किसान से लेकर आशा ममता और रात्रि प्रहरी चौकीदार और दफादार, जनरेटर चालक, और यहाँ पर नीचे में आ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे जो महत्वपूर्ण टॉप 10 लिस्ट है, यहाँ पर देखेंगे न्याय मित्र, टोला सेवक, इन सबको पहले ही सैलरी बढ़ा दी गई है। उसके बाद स्वयं सांख्यिकी जो है, उसके बाद आशा ममता, किसान सलाहकार, रात्रि प्रहरी और वार्ड सचिव और स्वयं सेवक यहाँ पर देखेंगे, और बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर, और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जो बिहार सरकार की नज़र में है और अल्टीमेटम के तौर पर भी सरकार को दिया गया है सभी जानकारी, आगे यहाँ पर समझ लेंगे। और भी कुछ महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, हम सभी की चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद नियोजित एवं अनियोजित शिक्षक, जो कॉन्ट्रैक्ट पे अभी कार्य कर रहे शिक्षक, इन सबको भी परमानेंट किया जाएगा बहुत जल्द। उसके बाद स्वयं सेवक, आशा ममता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, विकास मित्र को पहले ही लाभ मिल चुका है। उसके बाद बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर और ANM के कर्मचारी, रसोईया, होम गार्ड, रात्रि प्रहरी, वार्ड सचिव, उर्मिला के इंटरनेशनल, देखिए बिहार सरकार की नज़र में जो टॉप 10 लिस्ट है यहाँ पर देखेंगे, स्वयं सेवक, आशा ममता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका सहायिका, उसके बाद बेल्ट्रॉन के कर्मचारी, उसके बाद ANM कर्मचारी को आश्वासन भी मिला था, रसोईया, होमगार्ड, रात्रि प्रहरी, वार्ड सचिव, उर्मिला इंटरनेशनल, यहाँ देखेंगे टोटल जो 8 डिपार्टमेंट है, ये 8 डिपार्टमेंट है बिहार सरकार की नज़र में है, और विकास मित्र को पहले ही लाभ मिल चुका है। ठीक, बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये जो है आश्वासन मिला है इन सबको कि आप लोग को मांग पे विचार की जाएगी और अल्टीमेटम के तौर पर भी दिए है। और उसके बाद ANM कर्मचारी, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा इन सबका आश्वासन मिला था कि आप लोग को नियुक्ति पत्र बहुत जल्द मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलते तो फिर से ये सब कर्मचारी आंदोलन पे आएंगे। उसके बाद रसोईया, होमगार्ड, रात्रि प्रहरी, वार्ड सचिव, उसके बाद जीविका केडर, चौकीदार, दफादार, किसान सलाहकार, ग्राम कचहरी के नियमित, ग्रामीण आवास सहायक, मनरेगा के कर्मचारी, ग्राम कचहरी के सचिव, होमगार्ड, बिहार पुलिस के चालक, बेल्ट्रॉन के कर्मचारी, बिजली विभाग के मानव बल, पंचायत कार्यपालक सहायक, जल संसाधन विभाग, और टोटल यहाँ पे हम 44+ डिपार्टमेंट की चर्चा करेंगे। और जो टॉप 10 लिस्ट है वो आप लोग को बता दी गया, इंतजार है आप लोग को 22 नवंबर का, और 22 नवंबर के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा हो सकती है, जो अभी इंतजार कर रहे कैबिनेट से कि कुछ लाभ देखने को मिले। जो टॉप 10 लिस्ट है आप लोग को हम जानकारी दे चुके हैं, इंतजार है 22 नवंबर का, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी कोई डिपार्टमेंट है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।